तो क्रेजी बीटा की इस नई वीडियो में भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक भैया हैं जो भैया इस रेडी पे ना देसी स्टाइल में घेवर बनाते हैं। मतलब मैंने घेवर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग जगह पे बनते लिखा, लेकिन ये देख रहे हो कितना छोटा सा इसका, मतलब कि क्या कहेंगे भैया इसको, कहते क्या है, कढ़ाई। मतलब मेरे को लगता है सबसे छोटी कढ़ाई है उसमें बना रहे हैं भैया देसी स्टाइल का घेवर। भाई मैंने आज तक इतनी छोटी कढ़ाई नहीं देखी, और कोयले की आंच पे बन रहा है भाई ये देसी घेवर। पटना में आप बेच रहे हैं घेवर? हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों से बेच रहे हैं। कहाँ से सीखा आपने ये? हमारे गुरुजी सीख के आए थे, एक गुरुजी सीख करके आए थे तो वही यहाँ बेच रहे थे ना, तो उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। कहाँ से आए थे गुरुजी आपके? राजस्थान। राजस्थान से। तो सबसे पहले ये भैया किस, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये क्या है? ये घेवर का फेट है। क्या क्या डलता है भैया इसमें? इसमें मैदा है, बेसन है, और पानी फल सिंघाड़ा का आटा है, और सौंफ भी इसमें डाला जाता है, महीन सौंफ और छोटी इलायची। क्या घी का भी होता है या फिर रिफाइंड में क्या है मतलब? नहीं, घी का भी होता है, घी का चार्ज अलग है, और रिफाइंड में आप लेंगे तो रिफाइंड का चार्ज अलग है। क्या चार्जेस है? घी का चार्जर है पर पीस 50 रुपया, और रिफाइंड का चार्जर है पर पीस 30 रुपया। तो भाई हमारा घेवर बन रहा है सबसे छोटे कढ़ाई में कहूँगा मैं, तो ये यही काम कीजिए आपने, आप कहीं नौकरी भी कर सकते थे। दोनों काम चल रहा है, दोनों चल रहा है। हाँ, खाना ये बनाने का आपको शौक है या फिर कैसे? नहीं नहीं, कुछ तो कला होना चाहिए ना, नौकरी के साथ साथ कुछ कला भी होना चाहिए ना। प्राइवेट काम को भरोसा नहीं ना है, इसीलिए ये सीख करके हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया का कहना है कि भाई रोज़गार का कोई भरोसा नहीं है, तो एक हाथ का टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो भैया अपना गुजारा कर सकें, पेट पाल सकें। और भैया ने कोई शर्म नहीं की, भैया एक छोटी सी कार्ट में है लेकिन भैया का कॉन्फिडेंस है, भैया का आर्ट है, और साथ साथ भैया तमाम चीज़ें भी करते हैं। तो भैया ऐसा लगता नहीं कि यार मैं छोटी जगह पर कार्ट ला के कर रहा हूँ, शर्म नहीं लगता थोड़ा सा कि यार अरे काम में शर्म कैसा, क्या बात है, शर्म तो प्राइवेट काम करने में, ये तो अपना काम है खुद का। हाय हाय, क्या बात है भैया, सही बात कही है, ये तो अपना काम है, ये अपना काम है, अपना काम है, अपना राजा, क्या बात है। और अपना काम में जितना मेहनत कर रहे उतना बढ़िया है, सही बात कह रहे हैं। हाँ मैट्रिक फेल है, मैट्रिक फेल है वो भी कॉन्फिडेंस बता रहे हो, फिर भी कुछ तो एजुकेशन है ना। सही बात, एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है हुनर, वो तो कभी भी काम आ सकता है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन अब हम मैट्रिक फेल है तो हमारे लिए जो काम बढ़िया वो हम कर लेते हैं। अगर गैस वाले चूल्हे पे घीवर खाएंगे और ये चूल्हे में स्वाद में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, इसका जो स्वाद और सौंधा लगता है, और सौंधा किसी भी चीज़ में थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्ट बढ़ा जाता है खाने का। तो भाई ये देखो, इसको ऊपर से दोबारा तेल डाल दिया गया ताकि ये पूरी तरीके से पक जाए। इतना छोटा कढ़ाई तो मैंने भाई देखा नहीं है आज तक, और ये घेवर देखिए पूरी तरीके से ऑलमोस्ट पक चुका है जी। उसके बाद इसको जो भी इसका तेल होगा यहाँ पे इसको जी हैंग कर देंगे। ये देखो थोड़ा तेल पहले निकाल दिया, फिर इसको हैंग कर दिया। उसके बाद ये भैया सारा जो भी तेल है ना ये नीचे आ जाएगा, तेल सूखने के बाद ये यहाँ पर आ गया है, ऑलमोस्ट देखिए सूख चुका है, ये जा रहा है जी चाशनी में। ये जी जाएगा अब चाशनी में, ये चला गया जी चाशनी में, पूरा इसको चाशनी से डुबो दिया और ये लटका दिया यहाँ पे जी। ये आ गया जी घेवर, और इसको तोड़ दिया है सही, खाने में दिक्कत नहीं हो, ताकि खाने में दिक्कत ना हो, ये गर्म है तो हाथ नहीं जलेंगे और सुविधा हुआ खाने में। कह रहे हैं जी गर्म है तो भैया हाथ नहीं जलेगा, ये मेरा घेवर एकदम तैयार हो चुका है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। भाई ये देसी घेवर आ चुका है बिल्कुल बना हुआ, इसको मैं टेस्ट करूँगा, सबसे छोटी कढ़ाई पे बना हुआ घेवर है, बिहार का पटना का घेवर है, मज़ेदार है भाई। यहाँ पे आओ, इस देसी घेवर को ट्राई करो, और भैया के पास एक बार मिल के जाओ, भैया कमाल के बंदे, एक बार मिलो, बात करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। तो भाई एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस भाई ये है PMCH पटना के, बिहार के पटना के PMCH रोड है ये, और यहाँ पे सिविल कोर्ट है, उसके जस्ट सामने ये भैया बना रहे हैं जी घेवर। कैसा स्वाद? अच्छा लगा, यस।
अच्छा लगा? हाँ। क्या बात।